सो हेलो गाइस, सीधे अपडेट की तरफ चलते हैं। सो पहले अपडेट आ रही है एमएवे बंटाई की तरफ से। सो एमएवे का जो डब्लू ट्रैक है वो रात आउट हो चुका है। इस ट्रैक में एमएवे ने कृष्णा पर शॉट्स लिए। सो गाइस, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एमएवे के जितने भी ट्रैक आते हैं सब में शॉट्स होते हैं, ज्यादातर कृष्णा रफ्तार और कलमकार के लिए होते हैं। कृष्णा रफ्तार और कलमकार की तरफ से एमएवे पर कोई शॉट्स नहीं आते, मतलब में एमएवे उंगली करता रहता है क्योंकि इसके गाने हिट नहीं होते, इसलिए हर ट्रैक में कृष्णा रफ्तार कलमकार को डिस करता है ताकि इसके गाने हिट हो सके। सो गाइस, मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट करके जरूर बताना। सो नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट अपडेट आ रही है इक्का की तरफ से। सो इक्का का एक न्यू इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने क्या बात करी है, तो मैं आपको वीडियो क्लिप दिखा देता हूं इक्का की। और अमेजिंग आर्टिस्ट, लेजेंड, मतलब ओजी। और मुझे लगता है हिप हॉप है ना, हिप हॉप सिर्फ अगर सही मायने में डिवाइन कर रहा है ब्रो। बिल्कुल। तलंजुम, तलंजुम अमेजिंग आर्टिस्ट, अमेजिंग। पाकिस्तान के काफी आर्टिस्ट मैंने सुने हैं जो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। और दो लड़के हैं, तला अंजुम और एक और है यंग, हाँ एक लड़का हो रहा है तला यूनिवर्स इंडिया, तला यूनिवर्स। तो इन दोनों का ना बहुत मेजर रोल है भाई, ये जो पाकिस्तान से हिप हॉप को ना इन्होंने यहाँ खड़ा कर दिया, यू नो देसी हिप हॉप को यहाँ ले आए लड़के मेहनत से। बिल्कुल। हमारी बीच में कोई बात हुई थी, अनबन हो गई थी, और मैं इन सब चीजों से ना आगे निकल के आर्ट को देखता हूँ कि यार इस लड़के ने इतनी मेहनत करके, इन लड़कों ने इस आर्ट फॉर्म को जिसके लिए हम इतना लड़े हैं हिप हॉप को, उन्होंने कितना बड़ा कर दिया यार। तो सलूट है गाइस, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना, और इस फुल इंटरव्यू का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो नेक्स्ट अपडेट आ रही है कर्मा की तरफ से। सो कर्मा का जो भगवान ट्रैक है वो भी आउट हो चुका है, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।